क्योंकि जिस कांग्रेस को हमने ज्वाइन किया था, आज मैं कह सकता हूं कि ये वो कांग्रेस नहीं रही है। आइडियोलॉजिकली मेरे लिए मिसफिट पार्टी थी। ऐसा नहीं है कि अचानक फैसला ले लिया हो, पिछले एक दो साल से जिस तरीके की परिस्थितियाँ, क्योंकि जिस कांग्रेस को हमने ज्वाइन किया था, आज मैं कह सकता हूं कि ये वो कांग्रेस नहीं रही है। और मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस तरीके की नई परिभाषा राजनीति को दी गई है, जिस तरीके से नई डेफिनेशन पॉलिटिक्स को मिली है, वो निश्चित तौर पे जो है हम लोगों को यहाँ खींच रही है। यूपीए 2 हमारी सरकार इसलिए गई कि हमारे ऊपर स्कैम्स के इल्ज़ाम लगा। अब सरकार जाने के बाद भी अगर हम इस तरीके की हरकतों से बाज नहीं आ रहे और राहुल जी और पार्टी हाईकमान उस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है, तो निश्चित तौर पे हम लोगों के लिए सोचने का प्रश्न था कि हम क्या यही वो पार्टी थी जिसको हमने ज्वाइन किया था। कि मेरे लिए कोई खुशी का निर्णय नहीं था, वो एक दुख और पीड़ा का निर्णय था, या मैं ये कह सकता हूँ कि एक वीक मोमेंट पे, क्योंकि एज अ कांग्रेस जन मेरा फर्ज बनता था कि जितना भी डिफरेंसेस क्यों ना हो गए, कम्युनिकेशन गैप कुछ ना हो, एक वीक मोमेंट पे लिया वो स्टेप था। आइडियोलॉजिकली मैं वहाँ मिसफिट था, आइडियोलॉजिकली मेरे लिए मिसफिट पार्टी थी, और ओरिजिनल पार्टी यही है। और जैसे ही पहला मौका मिला और ग्रीवेंसेस पे डिस्कस हुआ और जो भी कम्युनिकेशन गैप था वो दूर हुआ, तो मैंने उचित समझा कि मेरी जो पेरेंट पार्टी है जिसकी आइडियोलॉजी से मैं बड़ा हुआ हूँ, उसके लिए जो कुछ कर सकता हूँ वो मुझे करना चाहिए। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो ऑटोमेटिकली दूर हो गई, और अजय जी की भी ग्रेटनेस है यही कि उन्होंने एक्सेप्ट किया।